बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री कश्मीर आ रहे हैं, योगा डे है उसके लिए आ रहे हैं, लेकिन जहाँ ये एक योगा डे है वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बहुत पुर उम्मीद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये पहला विजिट है इलेक्शन के बाद, जहाँ बिजली का बोहरान है, जहाँ पानी का बोहरान है, जहाँ यहाँ के जो नौजवान हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके का पैकेज हो, जहाँ वो बात कर रहे हैं कि बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च होंगे, जब तक नौजवानों के पेट भरे न हो, जब तक वो अपने घरों के लिए कुछ ना करें तो उनके वो स्कीम्स तब तक उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो हमारी अपील होगी, जो लोग हैं यहाँ के वो पूरी उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट पैकेज हो। और सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो जो मिसिंग है पिछले इतने 10 साल, 5 साल से, और 10 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको जल्द से जल्द इलेक्शन हो। और उससे ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ का जो स्टेटहुड है वो जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। एक तरफ से नॉर्मल्स की बात हो रही है और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि जम्मू में लगातार टेरर अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो रियासी का यात्रा पर अटैक हो या फिर राजौरी पहुंच में आए रोज जो है हमने पिछले कुछ दिनों से लगातार अटैक देख रहे हैं। इस तरह इसको आप देख रहे हैं? देखिए, बड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि ये जो बेल्ट था जम्मू का, पीर पंजाल, पुंछ, राजौरी, ये बड़ा रिलेटिवली पीसफुल हुआ करता था पहले भी। अब जो वहाँ ये कुछ एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, कुछ तश्वीशनाक तो है, बट अब यात्रा भी शुरू हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि यात्री जो आए वो अच्छे से अपना दर्शन करके वापस जाएं। शायद उसी पे कश्मीरियत की जो बात हम करते हैं वो इसी पे इतना मशहूर है। तो और जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है या बाकी एजेंसीज है, ऐसे अटैक्स को डिटर करें, और जो यहाँ यात्री हैं और खासकर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको एक प्रोटेक्शन और सेफ एनवायरनमेंट दिया।